से स्पीक्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर कहा जाता है ऑल यू नीड इज द प्लान अ रोड मैप एंड करेज टू रीच टू योर डेस्टिनेशन और अपनी मंजिल तक पहुंचने वालों में से एक हैं सुरबेंदु ठाकुर सुरबेंदु ठाकुर जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 में दो रैंक हासिल की और आज आई आईटी ऑफिसर हैं सुरबेंदु आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मैम और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह विख्यात मार्गदर्शक श्री ए के मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू तो आइए जानते हैं कि आखिर सुरबेंदु ठाकुर की सक्सेस स्टोरी है क्या सुरबेंदु आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत सारे नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी जैसा कि आपसे पहले बात हो रही थी और आपने बताया कि मीगर रिसोर्सेज और हम्बल रिसोर्सेज से शुरुआत करते करते आज आप इस बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं खुल के बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई मैम मेरी शुरुआत प्राइमरी एजुकेशन बिहार के दरभंगा जिले से हुई है जहाँ पे गांव ग्राम का नाम है चकौती एंड वहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करने के बाद हम लोग दिल्ली माइग्रेट हुए हुँ. तो दिल्ली में वापस से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेकंड क्लास में दोबारा एडमिशन लिया जी तो प्राइमरी एजुकेशन और बाकी एजुकेशन भी काफ़ी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से हुए हैं और उस टाइम पर तो इवन स्कूल वॉज लाइक टेंट वगैरह थे टेंट अंदर ही उस पर तो वहाँ से फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई काफ़ी सारे दोस्त तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज बहुत लोगों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी किसी की किसी वजह से फिर भी मैंने कोशिश करता रहा और उसके बाद फिर ट्वेल्थ के लिए फिर मैंने एलेवन ट्वेल्थ में बेटे स्कूल में ज्वाइन किया प्रतिभा विकास विद्यालय वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल ही है लेकिन वहाँ पर मतलब कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के उनको एंट्रेंस के थ्रू ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई जैसे फ़ादर ने बहुत संघर्ष किया बिकॉज ही वाज अ टाइपिस्ट इन थी सजारी कोर्ट तो उनका संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और उनके संघर्ष के कारण फिर हम लोगों का भी धीरे 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 कॉन्फिडेंस धीर बढ़ा और फिर मेरे बड़े भाई ने वो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने तो फाइनली हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे स्टेबल हो गए और फिर मैं मर्चेंड नेवी ज्वाइन किया मैंने ट्वेल्थ के बाद आईआईटी आई e. के एग्ज़ाम के थ्रू और 2005 से 2008 तक मैंने मर्चेंट नेवी के लिए बीएससी एस साइंस की पढ़ाई की फिर 2014 तक मैं मरचंडीवी में था साथ ही साथ तैयारी करी मैंने थोड़ी थोड़ी क्योंकि मरचंडी में टाइम अच्छा मिल जाता है जी जी क्योंकि आप शिप से आते हैं तो आप यहाँ पे फ्री टाइम काफ़ी होता है साथ में तैयारी करी फिर 2014 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था तो मैं वापस शिप पर चला गया फिर वापस आया तो फिर दो का एग्ज़ाम दिया तो मेरे को दानिप सर्विस मिली थी पिछले साल और फिर इस बार एग्ज़ाम दिया तो मुझे दो रैंक हासिल हुई और इनकम टैक्स मिला वाकई में बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है आपकी और सुरबिंदु को सुन के ये ज़रूर समझ में आता है कि अगर आप आ, जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता अगर कोई ए, किसी साधन की कमी भी हो तो भी अगर आप में संकल्प है तो आप अपने मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे देखिए हर सक्सेस के लिए खास करके जो इस तरह की स्टोरी है जो हमने भी सुनी इनसे इस पर संघर्ष है और संघर्ष में जो बेसिक आदर्श है वो उनको फादर से मिला चूँकि फादर की इतनी बड़ी मूव कि वहाँ से आ, एक बिहार के छोटे परिवेश से एक अपने बच्चों के लिए एक साथ इनकी सुविधाएं और गांव में अपनी लेवल पे जो रही होगी पर उनका एक विजन दिखता है कि उन्होंने सोचा कि हम यहाँ रह के साथ अपने बच्चों को हम इतने परवरसी ढंग से ना कर सकें जो आगे कुछ बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा इनके फादर को जिन्होंने ये पहल किया जब ये लोग बच्चे थे कि इनको ले करके दिल्ली आए और जहाँ तक इन्होंने अपनी स्टडी करने के बाद फोर्थ स्टैंडर्ड में थे फिर इनको सेकेंड स्टैंडर्ड में आकर एडमिशन कराया और फिर एक लंबे समय तक पूरे परिवार को और इनको उन्होंने सपोर्ट किया एक टाइपिस्ट की नौकरी करते हुए तीस हजारी में तो ये जो बच्चा जब कई बार संघर्ष देखता है और जब सही आदर्श दिए जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से काफ़ी इंस्पायर होता है कि भाई जब हमारे फादर ये कर रहे हैं तो उनके अंदर एक जुम्वारी भी आ जाती है उनको उन्होंने अपनी जो भी कोशिश की होगी उन्होंने अपनी मेहनत से इनकी पढ़ाई में कोई कटौती नहीं की उन्होंने कोशिश रखी होगी जो भी सुविधाएं लिमिटेड रही होंगी लेकिन काफ़ी इंस्पायरिंग रहे होंगे जिस प्रकार से मर्चेंट एवी में गए और जो है एम सी कर 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 करके इनके ब्रदर जो हैं वो भी अच्छे जॉब में गए तो लेकिन जब जब इसमें डिपेंड करता है कि दो तरह की बात आती है एक आता है कि कोई कह जो स्टूडेंट हैं अपने फादर के बैकग्राउंड को लेकर करके वो सोल सेल्फ़ स्टीम उसका लो हो जाता है कि मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता मेरे पिताजी तो कोई बहुत बड़े इंसान है नहीं और फिर कोस रहा होता है आपने क्या किया कई कि बार अपने पेरेंट्स से लोग लड़ रहे होते हैं कि आपने तो कुछ आज तक किया नहीं लेकिन इन्होंने उसका सम्मान किया सम्मान किया कि मेरे पिताजी के अंदर वो एक सक्सेस की वो भावना है जुनून है कि अपने मंजिल को तय करते वहाँ पहुँचे और हमें तैयार किया तो इन्होंने उसको एक अपने एक इंस्परेशन लिया और यहाँ से इन्होंने आगे मेहनत करके ये गए और साथ के साथ में मर्चेंट नेवी होने के बावजूद भी वहाँ जबकि एक लग्जरियस लाइफ इनको मिल गई होगी लेकिन उन्होंने अपनी जो इरादे हैं उसको और मजबूत किए कि मैं यार संघर्ष करूँगा और मेहनत करूँगा और इस प्रकार से उन्होंने पहला अटम्प लिया फिर दूसरा अटैम्प्ट लेकर दे के देखिए आपके सामने एक आई ऑफिसर बन के तैयार बिल्कुल तो सुरु मर्चेंट नेवी तक जब आप आए फिर मर्चेंट नेवी के बाद ये ख्याल कैसे आया कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है मर्चेंट डेवी में लाइफ बहुत अच्छी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है बट कहीं ना कहीं एक सोशल लाइफ सोशल रिकगनीशन कम हो जाता है और सिविल सर्विसेज में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिलता है कि आपकी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी सोशल रिकगनीशन प्रेस्टीज ये सारा चीज़ों गुड कॉम्बिनेशन है तो मैंने सोचा कि जब इतना किया जाए तो थोड़ी और कोशिश की जाए तो फिर उसके लिए फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शिप से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी चालू कर दी थी और फिर अच्छा गैप मिलने की वजह से उस टाइम पर भी तैयारी करी और फिर मेरे को इसमें सफलता मिली तो मर्चेंट नेवी का आपका जो भी अनुभव रहा आपकी पढ़ाई का जो अनुभव रहा ये आपको लगता है कि कही कहीं ना कहीं इवॉल्व होकर आपको आगे भी काम आया जब आपने ये तैयारी की अपनी सिविल सर्विसेज की येस yes. मर्चेंट नेवी ने कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जनरेट किया बिकॉज 2005 से 2008 जब मैं बीएससी कर रहा था तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था और उस टाइम पे अंदर से सेल्फ स्टीम लो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन जब मैं जॉब में गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज आई उसके बाद आई वेंट टू मोर देन ट्वेंटी थ्री कंट्रीज दुनिया देखी तो लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ करा जा सकता है और उसकी वजह से फिर मैंने जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंटली काफ़ी अच्छे से तैयारी करी और मुझे सफलता मिली सिविल सर्विसेज के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में एक बात जो आजकल खास देखने को मिल रही है और आपने कई बच्चों में देखा होगा जिनको आपने ट्रेन भी किया कि जो प्रोफेशनल्स किसी और फील्ड से आ रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस परीक्षा में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एक एडिड एडवांटेज है एक प्रोफेशनल के लिए एक इंजीनियर डॉक्टर किसी मर्चेंट uh, नेवी से आए शख्स के लिए इस पेपर को और बेहतर करना देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना तो चूँकि प्रोफेशनली लोग क्वालिफाइड आ रहे हैं तो उनके मन में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है वो सिक्योर्ड महसूस करते हैं जिसके कारण से जो समय जो चिंता में जाता है वो अब चिंतन में लगने लगा और ये डिसएडवांटेज कई बार जो लोगों का प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं उनको रहता है कि मान लो हम ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं डिग्री नहीं कुछ कर पाए तो क्या करेंगे तो बहुत लंबा समय और बहुत बड़ी एनर्जी इसमें ड्रेन हो जाती है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोफेशनली चीज़ को हैंडल करने का दूसरे दूसरी चीज़ के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है कि जब ये लोग प्रोफेशनल बैकग्राउंड में थोड़ी सी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है किसी चीज़ को हैंडल करने का किसी चीज़ को मैनेज करने का थोड़ी मेहनत करने की भी ताकत अच्छी हो जाती है जैसे मान लीजिए ये भी मर्चेंट नेविस आए हैं तो एक चुनौतीपूर्ण काम है तो वो एक भावना आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ मेरे लिए पॉसिबल है जब मैं इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हो सकता हूँ तो इन चीज़ों से थोड़ा प्रोफेशनल्स को फ़ायदा हो रहा है कि वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं लेकिन ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि जिनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं कर सकते रादर उनकी एडवांटेज अच्छी हैं यदि वो बिना कारण के अपने आप को परेशान ना करें बहुत सारे मिथ्स में ना खोएँ तो कोई डिफरेंस नहीं वो अच्छा काम कर सकते तैयारी तो की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो कहा जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए वो होता है दैट नो नो योर योर एग्जाम एंड सिलेबस आपको एग्जाम है क्या उसका नेचर क्या है ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है ये पता होना चाहिए आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की बिल्कुल ये जो आपने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि पहले क्या आता है एग्जाम में क्योंकि यही सबसे बड़ा मिथ है कि कुछ भी आता है और लोग इस वजह से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाता है पहले देखिए कि वो क्या पूछ रहे हैं सिलेबस में क्या है और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करिए तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे तो देखा कि वो लोग करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे तो अगर करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं तो मैंने फिर न्यूज़ पेपर पर शिफ्ट किया कि न्यूज़ पेपर शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो डेली मतलब अखबार पढ़ना और खासतौर पर अखबार पढ़ने में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है अखबार में अखबार में बहुत न्यूज़ आती है अगर आप सब पढ़ने बैठ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है तो उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अखबार के अंदर जो है पॉलिटिकल न्यूज़ मतलब जस्ट पढ़ के हेडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए उसके अंदर मत जाइए आप उसके अंदर पढ़िए कि सोशल इशूज़ के इशूज़ क्या है जुडिशियल ने कोई डिसीजन दिया है वो क्या है कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि यू पूछ सकता है तो आप इन चीज़ों पर फोकस करिए उसको नोट डाउन करिए सिमिलरली बेसिक चीज़ों के लिए एन बहुत अच्छी होती है एन पढ़ाई करिए तो उससे जो है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है हिस्ट्री जोग्राफी और इन सब सब्जेक्ट्स के स्क्रीन और फिल्टर करना अपने सिलेबस को और उसको पहचानना सबसे प्री रिक्वेड है बिल्कुल देखिए हमने पहले भी चर्चा की है कि सिलेबस एक बेसिक पैरामीटर है यूपीएससी जो सिलेबस डिज़ाइन करती है वो बहुत ही रिसर्च कर, कर कर के साइंटिफिकली डिज़ाइन कर जाती है कि क्या क्या एक कैंडिडेट को पढ़ाया जाए कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हों अवेयरनेस डेवलप हो जो कल उनको ऑफिसर बनने के बाद काम आएगा तो सिलेबस को किसी भी हालत पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए सिलेबस को एक एक वर्ड एंड कॉमा फुल स्टाफ समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली exactly है क्या सिलेबस और जो अपनी स्टडी प्लान है उसको तैयार करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना प्री का भी मेंस का और फिर एक स्ट्रेटजी बनाना कि मान लीजिए क्या कि किसी कैंडिडेट को अपनी जनरल साइंस पढ़नी है तो जनरल साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़नी है या मान ली इंटरनेशनल रिलेशन की को, कोई किताब पढ़नी है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले साल में और कहाँ फोकस है तो जब ये क्लियर हो जाता है तो उसके लिए फिर क्या है कि भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं और उसके बाद फिर क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है ढेर सारी किताबें इकट्ठे कर ली ले, लेकिन पढ़ने के उनके पास टाइम नहीं है जरूरत भी नहीं है कि आप एक ही चैप्टर पर दस किताबें पढ़ें आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें उससे यदि कोई चीज़ सप्लीमेंट करना है तो फिर किसी और बुक को रेफर करें बेटर है कि एक, कि एक किताब को हम दो तीन बार पढ़ लें इंक्लूडिंग जो एनसीआर लेवल की किताबें उसको भी तीन बार पढ़ लें तो उससे क्या होगा क्लैरिटी आएगी एक एक फैक्ट्स एंड फिगर सही होगा जब भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप जब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ले को भी समझा सकते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। और काफी रोचक चर्चा है यहाँ पर आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी फिलहाल एक ब्रेक के लिए Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज. Success speaks के साथ. हर मंगलवार सुबह नौ बजे डीडी नेशनल पर

और अगर एंशियट में होगा तो दे विल आस क्वेश्चन ऑन आर्ट एंड कल्चर आस्पेक्ट तो आपको ये देखना है कि अगर आप एंशियट पढ़ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर आस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं आप ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं जैसे मीडियावल में ही पढ़ रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट देखिए सो कल्चरल देखिए रिलीजियस देखिए ये सब देखिए आप ये अगर ये याद करने लग जाएंगे कि, कि किस राजा ने किसको मारा किसने क्या किया तो फिर वो गलत हो जाएगा तो यहाँ भी वही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सिमिलरली जैसे जोग्रफी है तो जोग्राफी में आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग इन्वायरमेंट वाले एंगल में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं खास तौर पे जब से फॉरेस्ट सर्विसेज को उन्होंने पिलम्स में ज्वाइन किया है उसके बाद से इन्वायरमेंट का वेटेज बहुत बढ़ गया है तो आपको इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी में बहुत क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे अराउंड थर्टी थर्टी थ्री आ जा जाते हैं दोनों मिला के वन थर्ड पेपर आपका ये दो है तो आपको फोकस करना चाहिए इस पेपर पर सिमिलरली करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स तो यू का फेवरेट टॉपिक होता है तो उसके लिए आप अखबार रेगुलरली पढ़िए आप जो है करंट अफ़ेयर्स का एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें मतलब उसको सेग्रिगेट कर लीजिए अलग अलग सेक्शंस में कि ठीक है अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आई है तो इन्वायरमेंट का यहाँ है और अगर सेम चीज़ पे दोबारा न्यूज आती है तो कोशिश करिए आप वहीं पे दोबारा से लिखिए जिससे कि वो पर्टिकुलर आस्पेक्ट जो होगा वो ब्रॉडन होता चला जाएगा तो जब आप रिवाइज करेंगे तो एक जगह सारी चीजें कंसाइजली मिल जाएंगी और ये चीज आपको मीनस में भी हेल्प करेगी करंट अफेयर्स के लिए तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए बेसिकली के लिए भी चीजें तैयार रखना बहुत जरूरी है बिल्कुल मीनस की तैयारी में सबसे एक बड़ा क्रूशियल मैटर आ जाता है ऑप्शनल का सिलेक्शन बिल्कुल

बट इसमें आपको लेने का आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि सब्जेक्ट अच्छा है हाँ सब्जेक्ट देखा कि मतलब लॉ इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा कम लोग लेते हैं तो इसका सक्सेस रेट भी अच्छा था लॉ का तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट कर सकते हैं कि आप देखिए कि पिछले दो तीन साल में कौन सा ऑप्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ज़्यादा लोग ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है कौन किस में ज़्यादा लोग सफल हो रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है तो आप वो ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं और जो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आए वो लीजिए और दूसरों को देख के ऑप्शन कभी मत लीजिए मतलब है कि अपनी समझ से अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है बिल्कुल सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल को कितना टाइम दिया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यू में आपको जो है ऑप्शनल में खासतौर पर क्योंकि काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए होती है क्वेश्चन थोड़े से डीपली पूछे जाते हैं तो जब आप मेन्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल पर फोकस करिए अच्छे से डीपली और साथ ही साथ जी को भी टाइम दीजिए तो मैंने अराउंड सात से आठ महीने ऑप्शनल पे दिया अच्छे से और उसका मुझे लगा कि ऑप्शनल मेरे ठीक डब था उसमें क्या फुल टाइम दिया था आपने या जीएस के साथ साथ भी इसको पढ़ रहे थे नहीं हमेशा मैंने जीएस के साथ और इसे मान लीजिए आपने दस घंटे पढ़ाई की तो कितने घंटे आपने ऑप्शनल को दिए जी एस को दिए देखिए दस घंटे अगर रेगुलरली पढ़ते हैं तो उसमें से कोशिश करिए कि आपका प्रॉपर टाइम डिविजन होना चाहिए हुँ. तो ऑप्शनल भी लगातार आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे तो जैसे मैंने दो दो घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया उसमें तीन चार घंटे जीएस पढ़ लिया तीन चार घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया तो ये काफ़ी हो जाता है मुझे लगता है अगर इतना आप डेली कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ टू गेट अ सक्सेस ये आप उसके हिसाब से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया सबको थोड़ी सी हम जनरल स्टडीज में स्पेशली हम लोग पेपर की बात करते हैं उसके लिए आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स लिए हाँ एथिक्स का पेपर आजकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि काफी हद तक इसके अंदर जो है राइटिंग स्किल्स मैटर कर जाती हैं आपकी क्वेश्चन क्योंकि जनरल नेचर के होते हैं ऑलमोस्ट सबको पता होता है आंसर लेकिन इंपॉर्टेंट वही वाली बात कि आपका आंसर बाकियों से डिफरेंट कैसे तो इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में मतलब कुछ डिफरेंट लिखिए कुछ अच्छे डाल डाल सकते सकते हैं हैं कुछ कुछ अच्छे कुछ आप कोशिश करिए दिखाइए कि आपके आंसर में कैसे सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल ग्लोबली क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है तो आप अलग अलग सीक्वेंस दिखा सकते हैं तो इससे आपका आंसर जो है बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा तो बाकी खास करके बारे में आपने कुछ स्पेशल प्रयास किया केस स्टडीज़ के लिए मैं कोशिश करता था कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी कैसे उसका आंसर्स लिखना है थोड़ा सा कोशिश करता था कि पहले एक डाइकोटोमी या कोई चैलेंज है तो वो दिखाने की कोशिश करता था कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर फिर उसके अंदर कोशिश करता था कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके प्रॉपर अलग अलग सॉल्यूशंस बताता था उसके प्रॉस एंड कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड फाइनली कंक्लूज़न कि इनमें से कौन सा आंसर सही बैठेगा ऐसे के बारे में नॉर्मली कई बार अलग से तैयारी स्टूडेंट नहीं करते और उसके कारण से कई बार सरप्राइजिंग या नुकसान भी हो जाता है तो आपके लिए इसके क्या किया ऐसे के लिए आपने ऐसे सही बात है कि उसके अंदर मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है अगर आप बाकी पेपर्स में देखेंगे तो हार्डली दस नंबर पंद्रह नंबर का डिफरेंस होता है ऐसे के अंदर हो सकता है कि एक को सत्तर अस्सी नंबर मिले हैं और दूसरे को डेढ़ सौ मिले हैं और वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप बाकी में कंपनसेट नहीं कर, कर पाँच बिल्कुल तो आपको उसके अंदर भी इंश्योर करना पड़ेगा पहली चीज़ कि अगर आप ऐसे का टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ़ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं आपके पास कुछ अलग से डेटा है कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं वो सब आप वो वाला ऐसे ले लीजिए उसके राइटिंग स्किल्स ऐसे में मैटर करती है यूजुअली माना जाता है कि यूपीएससी पी एस सी में राइटिंग स्किल इतनी मैटर नहीं करती जीएस के आंसर्स में बट ऐसे में थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज़ करना मतलब स्मार्टली थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग ग्रामे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होनी चाहिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिगनिंग एंड एंडिंग एस के अंदर क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो भी या जो चेक कर रहा है वो इंसान है वो पूरा का पूरा दस पेज एक साथ नहीं पढ़ सकता है तो वो आपका जो है स्टार्टिंग से एक फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ होगा तो आप ये कोशिश करिए स्टार्टिंग में ही एक अच्छा स्ट्रक्चर जिसमें अच्छी बिगनिंग और और अच्छी एंडिंग हो वो लिख के और उसके बाद फिर ऐसे लिखना थ्री एक्सिल्स मोर देन थ्री थाउजेंड सिलेक्शन इन सिविल सर्विस सोफा चाणक्य आई एस अकेडमी मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ हर मंगलवार सुबह नौ बजे डीडी नेशनल पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स आपसे ये भी जानना चाहूंगी जब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं थर्ड लेवल की बात करते हैं तो उसमें क्या जांचने की कोशिश की जा रही होती है पैनल सामने बैठा है बहुत एक्सपीरियंस पैनल है क्या जानना चाह रहा है वो आपके बारे में वैसे तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है बिकॉज दो वाले अटेंथ में जब मुझे दानिप्स मिला था देन आई वन नाइनटी मार्क्स तो प्रोफेसर डेविड थे जब 2016 में अटेम्प दिया तब भी मिले और उन्होंने पहचान भी लिया तो मैं तो बहुत खुश था कि अब की बार तो बस 200-210 मिलने वाले कहा नहीं जा सकता है तो चीजें वेरी कर जाती हैं हर बार उस आधे घंटे के माहौल में बहुत सारी चीजें मैटर करती है आपसे पहले कौन गया आपने कैसा परफॉर्म किया उस टाइम पे आप कितने कॉन्फिडेंट रहे आप कितने काम एंड कम्पोज तरीके से आंसर्स दे पाए तो अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए जितना कर सकते हैं बाकी वेरिएबिलिटी तो बहुत है और सक्सेस स्पीक्स के स्टूडियो में देश भर से आए छात्र और एस्पिरेंट्स हैं जो कि श्री सुरबेंदु ठाकुर और श्री ए के मिश्रा से सवाल पूछना चाहेंगे आई जानते हैं क्या हैं उनके सवाल सबसे पहले किसका क्वेश्चन और मेरा प्रश्न यह था कि यूपीएससी में जहाँ तक एक पढ़ाई का अपना इंपॉर्टेंस है वहाँ एक तक हम बात करते नजरिए का परस्पेक्टिव जैसे सोशल इशू जो होते हैं हमारे सोशल इशू होते हैं तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए उस पर क्या नज़रिया होना चाहिए उसके क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए और उसका अगर व्यक्तित्व से ओपिनियन पूछा जाए किसी सोशल इशूज़ पे तो उस पर क्या होना चाहिए सर मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए यू पी आपको सोशल इशूज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि यू के क्वेश्चन हमेशा सोशल इशूज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या चैलेंजेस है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है क्योंकि आप धीरे धीरे आप जब सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो आप इन चैलेंजेस को दूर करते हैं तो यू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसी से पता होनी चाहिए एडवांस में और इसीलिए आप चाहे अखबार के थ्रू चाहे इंटरनेट बाकी रिसर्च बुक्स के थ्रू इन सब चीज़ों पर पढ़ाई करनी चाहिए और सोशल चैलेंजेस के बारे में जानना चाहिए कि कैसे उनको ठीक किया जा सकता है मेरा सवाल यह है सर कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो इकोनॉमिक्स के प्रति मेरा थोड़ा झुकाव है तो क्या सर ये एक बेहतर ऑप्शनल हो सकता है मेरे लिए और होता है तो एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कौन से न्यूज़पेपर या मैगजीन इसके लिए बेहतर हो सकती हैं कॉमर्स का बैकग्राउंड है और आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है अच्छी बात है क्योंकि दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट हैं इसलिए कोई इसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं है और आपको ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं आएगी तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप बेझिझक इकोनॉमिक्स पढ़िए और आप मेहनत से पढ़िए लेकिन शायद आप जो हिंदी मीडियम से इसको पढ़ाई करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपने आप को आप तैयार कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी किताबें भी अवेलेबल हैं और आपको आपका बैकग्राउंड भी है तो परेशानी नहीं आएगी जहाँ तक अखबार की बात है आप कोई भी एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर आप पढ़िए चाहे वो दैनिक जागरण है दैनिक भास्कर है या इस प्रकार के कोई भी अखबार नवभारत टाइम्स है जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकिन साथ साथ मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप इंग्लिश एक अखबार ज़रूर पढ़ें इससे जो कंपलसरी इंग्लिश भी ठीक होगा और साथ के साथ में आपको जो है एक परस्पेक्टिव डेवलप करने में काम आएगा और आप जैसे एक हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इस प्रकार के न्यूज़पेपर भी आप साथ में ज़रूर ले लें इससे आपको बेनिफिट होगा आपको हिंदी में जो भी बेस्ट ऑफ मटेरियल उसको करना है लेकिन जो भी आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम के अखबार से आर्टिकल से या मैगजीन से तो उसको भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए तो सक्सेस स्पीक्स के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार